बनाता हूं लूटरी कुलचा, नहीं सिर्फ लूटरी बनेगी, कुलचा मुझे बनाना नहीं आता। सो आप लूटरी की जो रेसिपी है, लूटरी मतलब न्यूट्री, यस लूटरी की लपसी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे इंस्टा चैनल पे आ सकते हैं। तो लूटरी बनाने के लिए आपको चाहिए लूटरी, जो मेरे पास बहुत भरी पड़ी है, मेरे पास बहुत सारे डब्बे भरे पड़े हैं और मेरे पास कोई आज सब्जी नहीं है। सब्जी सिर्फ मंडे की मंडे मिलती है यहाँ पर, मिलती है यहाँ पर, तो इसलिए मैं जो मेरे पास भरी पड़ी है चीज है लूटरी वही। सबसे पहले आप अपना चश्मा उतारें, जो कि मैंने अभी वीडियो में पहना हुआ था, वो सिर्फ वीडियो के लिए था। और उसके बाद आप अपने मसालों की सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और न्यूट्रीज को पानी में डाल दें। पानी में डाल के न्यूट्री को हम इसमें ये अपनी चाय की पत्ती की एक पैक भी डाल देंगे और इसके साथ हम इसकी में थोड़ा सा लून भी डाल देंगे। मैंने आग लगा के लून पा के चाय की पत्ती को डुबो दिया है। इसका साइड वाला वो जो कागज सा होता है उसको निकाल दिया है, मैं धागा भी निकाल सकता था, चलो एनी हाउ अब तो खो गई है वो, एनी हाउ उसको खोल दो और इसको ढक के जरा 5 मिनट के लिए पकाओ। अब हम थोड़ा मसालों के बारे में भी जान लें एक बार फिर। ये है जीरा, ये यार इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं ये धनिया पाउडर है, शायद ये धनिया पाउडर है, अगर कोई गलत हुआ तो अपने हिसाब से निकालो। लाल मिर्च, आमचूर और वो है हमारा गर्म मसाला, उसकी बाद में लोड पड़ेगी। ये मेरे पास जीरा पाउडर नहीं था तो मैंने जीरों को ना तवे पे रख के गर्म करके उसको पूरा कचूमर कर लिया है, तो मैंने ऐसे बना लिया है जीरा पाउडर। किचन किंग एंड द हल्दी इज द ऑप्शनल, वो आप डाले ना डाले। नमक भी हमारे पास थोड़ा सा है, आज का ही है, इतना ही नमक है हमारे पास, बाकी कल मंगाएंगे। और टमाटर, मिर्चा ते अदरक को हमने पूरा पीस लिया है। और ये हमारे पास धनिया पड़ा है और ये आलू मैंने एक इसको थोड़ा सा उबाला है, ज्यादा नहीं उबाला है, है जी। ओ पीछे झातियां मार रही है, ना है कसूरी मेथी, ये आप बाद पावे, 5 रुपए ऑफ मिली है सर। ओ माय गॉड, ये हमारी बड़ियों ने साबुन सा क्यों छाड़ दिया है, ओहो बेर बेर समाई चाना पैक ब्रो। वो मैंने इसलिए डाला था कि इसका रंग चेंज हो जाता है, मैंने सुना है, मुझे लगता है रंग तो नहीं चेंज हुआ है, सोप बाहर आ गया है कहीं से, तो मैंने इसको धीमा करके अब मैं इसमें एक चाय की तवीत और डाल दूंगा। पर हमने इसका धागा भी काट लिया है, इसको सीट देते हैं बीच, ये सर बाहर आ रहा है पता नहीं क्यों। ये रहा हमारा पुराना पैक, ये रहा विद धागे के साथ, लेकिन इसने कोई बहुत ही ज्यादा हेल्प नहीं की है हमारी। करियों बड़ियों का रंग थोड़ा चेंज सा नहीं हुआ है, लग रहा है रंग फड़ी है, थोड़ा थोड़ा रंग फड़िया भाई। 5 मिनट हम इसको और पानी में गोते खाने देंगे, उसके बाद निकालते हैं। अरे वाह, मेरी बड़ियों ने रंग फड़ लिया है, इसमें से आप चाक के इसको जरा उधर सीट देते हैं, तुम ही आ जाओ। वेरी वेरी हॉट है, हाथ जला लिया है, इसको हम फिर कैंची से चाक लेते हैं। तो ये बाप इसको मसल के इसमें रहता हुआ एच ओ टू भी काट लें, मुझे लगता है काफी एच ओ टू हमने निकाल लिया है, अब इसमें एच ओ टू नहीं बचा है, सारा एच ओ टू जो है वो नीचे चला गया है, इसको हम सब्जी में यूज करेंगे, पानी को सीटना नहीं है आपने। हम मसाला बनाएंगे, वर्जिन तेल डाल के मैंने इसको हॉट कर लिया है, अब एक्स्ट्रा हॉट जीरा पा देंगे इसमें। और किसी ने मुझे बोला है कि तुम कड़छी यूज करते हो वो प्लास्टिक की है वो मत करो, वैसे तो ये भांडा भी मुझे लगता है सही नहीं है, लोहे के भांडे लेके बने पड़े, आप लोहे के भांडे यूज करो। जीरा डाल के आप जीरे से थोड़ा सा परे रहे क्योंकि मैंने आग कट कर दी है, ये ना बाहर को आता है, आप अपना मुंह ज्यादा आगे ना लेके जाए, आपके मुंह पे भी पड़ सकता है। सो मास्टर शेफ बनना इज नॉट दैट इजी, आप थोड़ी सी आग कट कर दे नहीं तो थोड़े मुंह पे पड़ेगा ये। जीरा पूरा रंग का हो गया है, अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर एंड अदरक एंड मिर्ची की पेस्ट, ये डाल के भी आपने परे रहना है, वैसे तो मैंने आग बहुत कट कर दी है पर ये डाल के भी छींटे पड़ सकते हैं। देखो छींटे, ज्यादा अपना मुंह कढ़ाई के अंदर मत डालें, उसमें आप छींटे पड़ सकते हैं, इसीलिए वो जो शेफ होते हैं उन्होंने वो कपड़ा सा एक तरीका जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं आती मुझे यार, वो कपड़ों के ऊपर पहना होता है, मेरे पास है नहीं वो, तो अब ये थोड़ा शांत हो गया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं धनिया मसाला, और धनिया मसाले के बाद बारी आती है थोड़ी सी देगी मिर्च का तड़का, वैसे तो हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल, बस हरी मिर्च भी डाल दी है, अदरक भी डाल दिया है, तो काफी जो है वो चटपटा होने वाला है, लेकिन आप ना इसको चलाते रहे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मुंह पैसे रखें, हर गल नहीं अपना मुंह बाढ़ दीदा होगा, छिटे ना थोड़े मुंह से पैसा दे, मुड़ के फेस ब्यूटी ना खराब करा लो, सो बड़े खतरनाक काम है, देखने बहुत ईजी लग रहा है, गाइस इट्स नॉट अ ईजी जॉब।
निकालने वाला हूँ जो हमने देसी तरीके से तवे पे नहीं बनाया था, जीरा पाउडर। ये चल जीरा पाउडर अंदर, आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं हम, और अब हम डालेंगे जो हमें 5 रुपए ऑफ मिली है कसूरी मेथी क्रश करके। मुझे लगता है आज मसाला हमारा घट बना है और बढ़िया हमारी ज्यादा है, बढ़िया कुछ ज्यादा नहीं ओवर ब्राउन हो गई है। चले नहीं आओ, इसमें डाल के फिर पता चलेंगे। तो थोड़ा सा आलू भी है हमारे पास, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आज टमाटर में थोड़े घट। जी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, पर जैसे जैसे मसाला बन रहा है घट होता जा रहा है। तो मैंने इसमें सोया सॉस डालनी थी, सोया सॉस मेरे पास नहीं है, तो हम बारबेक्यू सॉस इसमें थोड़ी सी डाल रहे हैं। तो ये अभी बारबेक्यू बढ़िया बन गई है, हमारी सब्जी बनते बनते कुछ भी बन सकती है। सो अब ये बनी है बारबेक्यू बढ़िया, मसाला रेडी है। आदरणीय कुड़ियों चलो पैजो बच्चे, चलो जी ये हमने सीट दी है सारी बढ़िया बच्चे। ये मसाला तो हमारा गैप टैप सही हो गया है महाराज। तो आप अपने हिसाब से पहले मसालों को भी नापे के जितना मसाला है उतनी ही बढ़िया सीटें। जे मेरा मसाला तो आज गैप ही हो गया है महाराज। कोई नहीं, हमारे पास H2O पड़ा है, हम थोड़ा इसमें H2O डालेंगे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि सारा मसाला तो बड़ियों में चिमड़ गया है, अब तेरा क्या होगा आलू, इसको इसमें सीटें के ना सीटें। अब पोल करने का भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि सब्जी बन रही है, तो सीट रहे मामला है। इसमें थोड़ा H2O डालता हूँ, वेट 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 वेट, गरम गरम चक लिया है सीट दो सीट दो। ओहो, आप थोड़ा सा कुछ किसी चीज के साथ पकड़े, मैंने आज हाथ लूने का बस ठेका ले रखा है। लो जी मैंने H2O डाल दिया है, अब प्लीज मेरे आलू जो है वो प्लीज इसका रंग पकड़ लें और इसमें मसाला चढ़ जाए बस, क्योंकि मसाला हमारा थोड़ा है। आलू गाइस प्लीज यार फाड़ लो यार, अपने आप फाड़ लो। स्कीम लगा दी है मैंने, कले कले आलू के उत्ते चांटी चाट मसाला फूक दिया है। सो और की होगा, उन्हें थोड़ा थोड़ा चांटी चाट का रंग फड़नगे। ये मैंने इस पे हरा हरा धनिया फूक दिया है, इसको भी कबा देंगे। क्या बोलते हो, H2 डाल दूं थोड़ा और H2O, या दही के साथ ऐसे ही खा लूं। यार पापा की स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। I need my spoon guys, where is my spoon bro? मास्टर शेफ जी लून पड़ा तो भूल ही गए मारे, बाकी सारा स्वाद आ रहा है, लून है नहीं सी। सो हमने अभी लून फूक दिया है, अब इसको थोड़ा सा रला लेंगे, तो उसके बाद आपको बताते हैं। देखने में बड़ी स्वाद लगी, आलू थोड़ा थोड़ा रंग फड़े।